ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फहीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर में। ये देख रहे हैं आप, ये PIA एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गेट नंबर 3 है और यहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ है इस वक्त। क्यों लगा हुआ है, आइए हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है और रोड बंद कर दी है, इस वजह से आने जाने वाला ट्रैफिक यहीं से गुजर रहा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है इस वक्त और मशीनें आग पे आपको नज़र आ रही हैं। और डिमोलिशन का काम जारी है इस वक्त यहाँ पे। पुलिस की भारी तादाद यहाँ पे नफरी मौजूद है इस वक्त। मशीनों की मदद से तमाम इंक्रोचमेंट को साफ किया जा रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इस वक्त गुलिस्तान जौहर में जारी है। तमाम शेड तोड़े जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर छत जो पहली मंजिल की थी वो गिरा दी गई है। छत पर रखी हुई टंकी से पानी बहना शुरू हो चुका है। डिस्को स्वीट्स एंड निम्को शॉप
छोड़ दी गई है। छत पे कुछ लोग मौजूद हैं जो वहाँ से निकल निकल के भाग रहे हैं। अब लोगों की और पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं खासा रश जमा होता जा रहा है लोगों का, और पुलिस की नफरी भी अब तेजी की तरफ उस तरफ मूव कर रही है। सब दुकानों में मौजूद है। बीबी डिफरेंट ब्लॉक्स में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है इस वक्त गुलिस्तान जौहर में। ये सब टूटी हुई शीटें पड़ी हुई हैं, शेड्स पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है। पहली मंजिल की छत मुकम्मल तौर पर गिरने के बाद दूसरी मंजिल भी गिर रही है और ये सामान दुकान के अंदर भरा हुआ है सारा। गुलिस्तान जौहर के डिफरेंट ब्लॉक्स में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है इस वक्त। टंकी तोड़ दी है ऊपर की और सब पानी गिर रहा है उसका। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पुलिस थाने जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी।
ویورز، یہ تھی ایک چھوٹی سی اپڈیٹ گلستان جوہر میں انکروچمنٹ کی ڈرائیو، اور یہاں پہ یہ دکانوں کو توڑ دیا گیا ہے جو الیگل بنی ہوئی تھیں، اور مزید توڑنے کا عمل جاری ہے۔ عوام اور پولیس کا کافی رش موجود ہے یہاں پہ، یہ آپ کے سامنے صورتحال۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔ لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ۔